हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मोटो व्लॉग। और इतना टैन हो चुका हूँ ऑलरेडी कि अब और नहीं कर सकता मैं ये अपने साथ, तो शर्ट जल्दी से अनफोल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और आई एम श्योर आप लोग भी एक्साइटेड होंगे इसके लिए। तो सबसे पहले तो आवाज़ सुन लो, बहुत सही। आप लोग को R15 बहुत पसंद है एंड उतना ही पसंद है मुझे R15 पे वीडियो शूट करना। तो ये वाली R15 बहुत ही अलग लग रही थी, बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी, मतलब काफ़ी मैग्नेटिक सा कलर है ये। और ये एक्चुअली स्काई ब्लू एक्चुअली स्काई ब्लू ही है एंड देखने में R15 बहुत अमेजिंग लग रही है। इनफैक्ट आप इंस्टा पे लिंक दे रखा है, फ़ोटोज़ देख लेना, मज़ा आ जाएगी देख के। और एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट भी 10 आउट ऑफ 10 है, बिकॉज बिल्कुल लाउड नहीं है। और एक दो R15 से पहले जो चलाई उनमें थोड़ा लाउड एग्जॉस्ट था, तो वो कहीं ना कहीं आपके कानों में चुभता है जब आप लंबा चलाते हो गाड़ी, बट इस वाले में ऐसा सीन नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये एग्जॉस्ट के अगर आप लुक पे जाओगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही एक्सट्रीम लाउड होने वाला है, बट उसके बाद जब आप बाइक स्टार्ट करोगे ना, तब आपको असलियत पता चलेगी कि ये एग्जॉस्ट कितना अच्छा है, कितना लिवेबल है, और किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली इस एग्जॉस्ट से। तो जो भाई इसको ऑन करते हैं, मैंने उनको आइडिया दिया है कि यहाँ पे वो वाले मिरर्स भी डलवा लो और कूल हो जाएगी, जिनमें टर्न वाला नहीं होता इंडिकेटर, मैंने जो दिखाए थे प्रीवियस वीडियो में आपको R15 के। तो अगर वैसा करवा लेंगे तो और भी ज़्यादा मस्त लगेगी है, ऑलरेडी बहुत अच्छी लग रही है। इधर एक रोड खाली थी, मैंने अभी देखी, वहीं चलते हैं, बाइक दिखाते हैं प्रॉपर। क्या बैकफायर मारा यार इसने, मतलब जैसे बड़ी बाइक्स मारती है ना, वैसा वाला बैकफायर था। राइट ले लेते हैं यहाँ से, और ये रोड खाली दिख रही है, यहाँ पर रुक के आपको बाइक दिखा देता हूँ मैं। कैमरा रोलिंग, ओके। सो कुछ ऐसी लग रही है ये, और पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है। आप लोग अपना रिव्यू बताओ, आप लोग को कैसी लग रही है। यहाँ पे आगे देखो यामाहा का लोगो जो दे रखा है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। और जो रियल वाली R1 आती है उसमें एक थीम आई थी जिसमें यहाँ पे लोगो रहता था, एंड स्टिकरिंग भी अच्छी लग रही है। R1 का लोगो यहाँ पर दे रखा है, ये डुकाती टाइप थोड़ा टच दिया गया है इसको। एंड उसके बाद यहाँ पे ये एलियन वेयर या स्पाइडरमैन, सॉरी स्पाइडरमैन लोगो, और यामाहा नीचे लिखा हुआ। फिर यहाँ पे एक आधा लोगो दे रखा है यामाहा का, जो काफ़ी कूल टच लग रहा है। ये जिसने सोचा कि हाफ कर दें इसको, जैसे नॉर्मल ओरिजिनल वाली ग्राफिक्स होती हैं, तो वैसा लग रहा है। और एग्जॉस्ट की बात करें, हमारा जो हेड टर्नर, जिसके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ये जब मैंने इसको देखा ये वहाँ पर लगा हुआ था, तो मुझे लगा ये बहुत लाउड होने वाली है, कान फाड़ देगी। फिर जब ये स्टार्ट हुई तब मेरे दिल में आया कि यार इस पर तो वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज देखने में ये ज़रूर थोड़ा वैसा छोटा सा कैन एग्जॉस्ट लग रहा है, बट जब स्टार्ट हो रही है तो आवाज़ बहुत बेहतरीन आ रही है इससे। एंड उसके बाद पीछे टेल टाइडी लगी है, और रेड कलर की टेल टाइडी है। एंड इंडिकेटर्स आफ्टर मार्केट लगे हैं, यहाँ पे भी इंडिकेटर्स लगे हैं, दिखाता हूँ जला के। तो ये लगे हैं इंडिकेटर्स, ये भी आफ्टर मार्केट हैं। सस्पेंशन पे पेंट हुआ है, कैलिपर पे पेंट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लगा है विंगलेट, मास्क लगाया R15 का जो एक्सटेंड कर देता है लुक को। लाइट वाली प्रॉब्लम इसमें होने वाली है, ये गारंटी है फॉर श्योर। अगर लगा रहे हो तो लाइट से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करो। अगर आप लोग करना है ऐसा तो कुछ जुगाड़ आप लोग को करना ही पड़ेगा। मिरर्स स्टॉक हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि आफ्टर मार्केट लगवाइए, बहुत सही लुक आ जाएगा। जब इतना पैसा लगा है तो थोड़ा और सही, बाइक और अच्छी लगेगी। और बाकी मैं बता चुका हूँ R15 पे ही सबसे ज़्यादा विंगलेट सूट करता है, इवन RS से भी ज़्यादा सूट करता है। मैं अपना विंगलेट हटवा दिया है, आपने वीडियो देख लिया होगा अब तक, बिकॉज RS पे मुझे मज़ा नहीं आ रहा था विंगलेट के साथ। और यहाँ पे लगा है बबल वाइज़र, जो सच में R15 पे ही वर्क करता है अच्छा। हालांकि RS पे लगाया नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता पहले से, बट R15 पे काफ़ी अच्छा काम करता है। एंड उसके बाद एग्जॉस्ट आपको दिखाई दिया मैंने। एंड पूरा लुक देख लो, ओवरऑल बाइक कैसी लग रही है। और पर्सनली कलर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, स्पेशली जो ब्लू वाला कलर है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड इधर से भी देख लो, तो ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी सी लग रही देखने में एंड मुझे लगता है अब तक आपने लुक तो देख ही लिया होगा। प्रॉपर एक फ़ोटो ले लेता हूँ मैं इंस्टा के लिए और स्पेशली अभी DSLR से ले लूँगा बिकॉज बाइक काफ़ी सही लग रही है। मुझे लगता है एग्जॉस्ट दिखा दिया, बाइक का लुक दिखा दिया। अब थोड़ा सा इसको राइड करते हैं, उसके बाद ये वीडियो एंड करते हैं। और हाँ, आवाज़ सुना देता हूँ न्यूट्रल करके बाइक की आपको। तो पीछे के इंडिकेटर भी देख लो, दिखाना भूल गया था, वाइट जल रहे हैं। और तो ये अभी आइडल हो रही है गाड़ी, बिल्कुल भी मतलब जीरो थ्रोटल पे है इस टाइम। तो आवाज़ देख लो बहुत ही मिनिमल है, मतलब ना के बराबर ही है एकदम। आपको मुझे नहीं लगता कॉप से भी प्रॉब्लम होने वाली है इस एग्जॉस्ट के। जब भी आप कभी भी देखो, चौराहे पे हो या भीड़ भाड़ इलाके में हो, आप गाड़ी स्लो कर लो, मुझे नहीं लगता आवाज़ इतनी तेज़ है कि किसी को पता भी चलेगा। तो अब थोड़ा सा तेज़ करते हैं इसको। तो आवाज़ सुन ली। और हाँ यार, एक चीज़ और भूल गया, 2 बार बैठ चुका हूँ, फिर से उतर रहा हूँ। लाइट दिखा देता हूँ, बिल्कुल मतलब बहुत ही कम होने वाली है जब आप ये मास्क लगा लोगे। इतने हो रहा है, इतनी ही लाइट दिखेगी आपको। इस टाइम अपर ऑन है, उसके बाद इतनी कम दिख रही है लाइट। चलो अब चलते हैं। मुझे नहीं लगता आपको R15 के बारे में कोई स्पेक्स या कुछ बताने की ज़रूरत है मुझे। मतलब इतनी प्यारी बाइक है 150 सीसी में, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा ऑप्शन कोई अवेलेबल है। और एक बार इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे इस रोड पे एग्जॉस्ट के फील लेने के लिए। बेहतरीन बेहतरीन एग्जॉस्ट वाला जो सीन हुआ है ना, ये क्यों हुआ था? सीन ये था कि ये जो मैटर हुआ है एग्जॉस्ट वाला कि नहीं लगा सकते हो, ये जो बुलेट वाले पटाखे मारते हैं ना, उसकी वजह से हुआ था। अब सोचो, बंदा इनलाइन 4 ले रहा है, उसमें 1.5-2 लाख रुपए लगा के अक्रा प्रोविज डलवा रहा है, SC डलवा रहा है, और उसके बाद उसको क्या हो रहा है? चालान हो रहा है। बताओ, ये तो गलत है ना यार। अगर कोई मशीन इतनी अच्छी ले रहा है तो मुझे लगता है कि एक कैटेगरी होनी चाहिए कि अगर आपके पास इनलाइन 4-3 है तो एग्जॉस्ट अलाउड है। एंड क्योंकि आप जानते हो अक्रा और SC ऐसे अलाउड नहीं होते कि आपके कान फट जाएं। वो आवाज़ ऐसी होती है कि आपको सुनने में मज़ा आए। बिकॉज जितने भी ख़राब एग्जॉस्ट होते हैं वो मोस्टली यही सब होते हैं जो रॉयल एनफील्ड में लगते हैं, जिससे पटाखे पड़ते हैं। तो उन सबको बैन करो, सही है यार। बट बंदा अगर इनलाइन 4 मशीन, इनलाइन 3 मशीन ले रहा है तो एटलीस्ट उसकी प्रॉब्लम थोड़ी समझनी चाहिए। पैराग्लाइडर वाले पे कमेंट आए थे, भाई 100-200 ज़्यादा ले ले, लैंड करा ले। क्या यार, देखो कितनी देर फंसे रहते हैं। बढ़िया लग रही। तो एक जगह रुका हुआ था और अगल बगल वाले 3-4 लोग, सच में 3-4 लोग देख रहे थे। बाइक के जो आगे चल रहे हैं वो देख रहे थे, बगल में जो भैया खड़े थे वो देख रहे थे। एंड जब उन्होंने 2-3 मिनट लगातार बाइक देख ली, तब मैंने उनसे प्यार से पूछा, भैया बढ़िया लग रही? कह रहे बहुत बढ़िया। कभी कभी तो ये पेंट जॉब, ये कलर्स देख के मन करता है कि RS को भी कुछ कराया जाए। बट फिर अंदर से ये लगता है कि यार ओरिजिनल पेंट है और रेड में आप लोग उसको इतना पसंद करते हो, तो पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या लगे, मुझे खुद कैसा लगेगा पेंट होने के बाद। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं रह जाता हूँ, वरना तो अब तक RS कलर हो गई होती। लेकिन यार कोटिंग भी हुई है अभी उस पर, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है कोटिंग, तो उसको वेस्ट नहीं कर सकते, तो अभी रेडी रहने देंगे उसको। अरे भाई जाने दो यार, ऑलरेडी बहुत जल चुका हूँ मैं धूप में। इसी तरह ट्रैफिक से बच के अंदर वाले रास्ते से आया और एकदम एग्जैक्टली शोरूम पे निकल आया मैं। इंस्टा हैंडल डिस्प्ले, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे बिना मत जाना, बिकॉज़ काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं यार वीडियो बनाने में। लाइक करते हो तो थोड़ा अंदर से मोटिवेशन मिलता है। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।